जब आप 4 तारीख को वोट करने जाएं, तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। पेट्रोल 100 के पार है, डीजल में उछाल है, रसोई गैस का सिलेंडर फिर 25 रुपए बढ़ा दिया गया। तो बड़ा दिल दुख रहा है भाई साहब इस मंदी में, लॉकडाउन में और नोटबंदी के बाद तो मार दिया। अच्छा, मोदी जी क्या कर रहे हैं, भलाई क्या है, गरीब आदमी मर रहा है, भलाई क्या है। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। देश में आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के रेट से देशवासी परेशान हैं। हर रोज पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में इजाफा हो रहा है, जिस वजह से केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में रोष पैदा होना शुरू हो गया है। रसोई गैस और पेट्रोल के दामों में रोज हो रही बढ़ोतरी से लोगों का बजट बिगड़ गया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद लोग मोदी जी की पुरानी वीडियोज को काफी शेयर कर रहे हैं, जिसमें वे पेट्रोल की कम कीमतों को लेकर भाषण दे रहे हैं। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, ऐसे नहीं पूरी ताकत से बताइए। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए। मोदी जी अकेले पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ही नहीं बल्कि गैस सिलेंडर को लेकर भी भाषण दे चुके हैं। आप 2014 से पहले का उनका ये भाषण सुनिए। जब आप 4 तारीख को वोट करने जाएं, तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। आप प्याज मिलता नहीं है लेकिन एक आध प्याज लेकर के रखिए घर में, चुनाव के समय घर से वोट करने के लिए निकले ना, तो उस प्याज को भी नमन करो कि अच्छे दिन आए ताकि घर में प्याज आए, उस प्याज को नमन करके निकलना। कुछ पत्रकारों ने आम जनता से बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल किए, आइए आम जनता का इसके बारे में क्या कहना है इस पर भी नजर मार ही लेते हैं। बड़ा दिल दुख रहा है भाई साहब इस मंदी में, लॉकडाउन में और नोटबंदी के बाद तो मार दिया। अच्छा। मोदी जी ने हमें मार दिया। अरे भाई साहब महसूस कुछ नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा, तो काम धंधे है नहीं, काम धंधे नहीं है, काम धंधा है नहीं, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है। तो जो भी मोदी जी जो तो करते हैं वो तो देश के लिए करते हैं ना, देश के लिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं, भलाई क्या है, गरीब आदमी मर रहा है, भलाई क्या है इसमें। क्या कहूँ, अपनी सरकार के हाथ में बात है, हमारे हाथ में बात है। सरकार ने लूट लिया, जितना कमा रहे उतना खोस लिया, बच्चे पालने भारी पड़ गए, तनख्वाहें आ रही है, ऊपर से महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। 2-3 महीने की तनख्वाह होगी, बताओ जिनके एक नौकरी है वो क्या खाए, भूखे ही मर रहे हैं। बहुत ही बुरा महसूस कर रहे हैं। क्या हो गया, सोच ये गवर्नमेंट ये सोच के लाए थे कि ये पेट्रोल को 40 या 50 रुपए करेगी। अच्छा, चुनाव भी ऐसी इसीलिए जीते थे कि उन्होंने कहा था कि 40 या 50 रुपए करेंगे। हाँ। पर आते ही इन्होंने पेट्रोल के भाव जस्ट दुगने कर दिए। जो बाबा इनके साथ एक बाबा रहते थे, वो कहते थे कि पेट्रोल 32 रुपए लाएंगे, 32 रुपए लीटर लाएंगे, वो बाबा गायब हो गए, दिख ही नहीं रहे। आपने कितने का पेट्रोल भराया? 200 का। 200 का, दर्द हो रहा है कुछ? दर्द साला बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। बहुत ज्यादा। और भाजपा को है ना, आपके आपके हमारा बस चलेगा, डंडे मार के निकाल देंगे बाहर, सच में। बड़ी तो क्या हो गया मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं देश के लिए, तो कुछ तो आप कुर्बान कीजिए देश के लिए। कुर्बान मोदी जी काम सिर्फ मेरे को लग रहा है अपने मजे के लिए कर रहे हैं। अच्छा। जो वो सूट पहनते हैं ना लाखों रुपए के। हाँ। वो उसके लिए कर रहे हैं। बाहर घूम आए, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में घूम लिए पहले अच्छे से, अब उसके बाद वो अपना आराम से ठाट मार रहे हैं। और जो पैसा कम पड़ रहा है साले, सब्सिडी कहाँ जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था कुछ पता ही नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर निर्मला सीतारमण का एक पुराना बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वे बढ़ती कीमतों का जिम्मेदार सरकार को बता रही हैं और मनमोहन सरकार की आलोचना भी कर रही हैं। टू कम अप विद अ नॉमिनल कट इन द पेट्रोल प्राइसेस बाय अबाउट 1.26 रुपए, इफ यू रियली थिंक दैट यू वांट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कॉमन मैन, द कांग्रेस पार्टी इन the union ministry wouldn't have risen to the occasion to trouble the ordinary citizen with an increase of more than 7 rupees on petrol
which the Delhi government also ruled by Congress. लेकिन अब जब कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमन से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका इल्जाम तेल कंपनियों पर लगाया. So if all this is the reality, it is the oil marketing companies of India who will have to say whether they want to cut it down, whether they have to go up, because technically the oil prices have been freed. Government has nothing, no control over it. It is the marketing companies which import the crude, refine it, then distribute it, put the cost for logistics and everything else. देश में विपक्ष सरकार द्वारा की जा रही कीमतों में वृद्धि को लेकर काफी प्रदर्शन करता नजर आ रहा है. लोग भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं. विपक्षी नेताओं की तरफ से ट्वीट भी आ रहे हैं. कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की आलोचना की गई और कुछ सवाल भी उठाए गए. आप सब लोगों को मेरा नमस्कार. और आप देख रहे हैं कि हम लोग इस रूम में आकर सिलेंडर पे बैठे हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में और आज भी इन सिलेंडर का यही यूज है. इसमें गैस भराने की तो हम लोगों की हैसियत अब है नहीं. जिस तरह से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, आज फिर 25 रुपए बढ़ गया है. और अगली बार शायद जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आप पत्रकार बंधुओं के लिए भी हम लोग ये लगवा देंगे और थोड़ी सहूलियत के लिए शायद इसमें गद्दी वद्दी लगा दें जिससे आप थोड़ा कंफर्टेबली बैठ सके. मैं पेट्रोल 100 के पार है, डीजल में उछाल है, रसोई गैस का सिलेंडर फिर 25 रुपए बढ़ा दिया गया है. तो दिसंबर से अभी तक 200 रुपए बढ़ के 794 रुपए पर रसोई गैस का सिलेंडर आ चुका है. कितने लोग हिंदुस्तान में हैं जो 794 रुपए का ये सिलेंडर भरा सके. तो ये लोग सबसे पहले तो झूठ बोलना बंद करें. इनका जो कंट्रोल प्राइस है और मार्केट प्राइस एक है, इसलिए लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही है, पहली बात. और इसका साक्ष्य प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा गया है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है. इसका साक्ष्य इस साल का बजट है. 38,000 करोड़ की फ्यूल सब्सिडी को घटाकर 12,000 करोड़ इस साल के बजट में कर दिया गया है. 3 गुना उसको इसलिए घटा दिया गया है क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है कि आपकी जेबों पर डाका डाला जाएगा, आपकी रसोई गैस में उछाल होगी, आपके चूल्हे में आग लगेगी, लेकिन सरकार अपना मोटा रोकड़ा कमाती जाएगी. क्या सरकार इस बढ़ती महंगाई को लेकर कुछ कदम उठाएगी, इस पर सवाल जारी है. आम जनता की तरह हम भी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इन कीमतों को कम करेगी ताकि आम जनता पर कम बोझ पड़े. पंजाब टुडे रिपोर्ट. इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन.